हेलो एवरी एंड अ वेरी बॉम वेलकम तो गई इस प्रीवियस लेक्चर में करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखे थे एंड दिस विल बी द पार्ट टू उसके अंदर भी हमने एक लिस्ट डिस्कस की थी और इस करेंगे तो मैंने आपको पहले एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि ये जो लेक्चर्स जिसके अंदर हमने लिस्ट पहले हमने इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी रिपोर्ट्स डिस्कस की अब यहाँ पर कुछ हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज या जो लोकल या रीजनल ऑर्गेनाइज रिपोर्ट्स को यहाँ पर एक बार लिस्ट देख लेंगे ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे जो इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट है या जो वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट इशू करती हैं या इंपॉर्टेंट एजेंसीज जैसे आप ये लगा लो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कौन सी रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन सी रिपोर्ट निकालती है ठीक है पॉटेंट एन जी जैसे प्रथम उनकी रिपोर्ट्स तो थर्ड में हम ये देखेंगे कराने को ये तीन में भी हो सकते थे कराने को तो जितना मर्जी करा दो एक लेक्चर में छः घंटे का एक लेक्चर बना दो ठीक है बट आइडिया वो नहीं है आइडिया यही है कि हम ये तीनों अप्रोचेज लेकर के चलें ताकि आपके लिए जब भी आप रिवाइज़ करने लगो आप अपने कानों में ईयरफोन लगा करके ईजी तो एक एक करके रिवाइज कर सको और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसके हम जो इम्पोर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं दो या तीन लेक्चर्स के अंदर उनकी फाइंडिंग्स देखेंगे जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल के आई है क्या इंडिया का रैंक है उसमें हम सारी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे जो सिर्फ प्राइमरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछ देखेंगे ठीक है तो ये एजेंडा है जो मैंने आपको कल भी समझाया था और आज दोबारा से आपको एक बार मैंने समझा दिया एंड एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स जरूर आप लोगों को बेटा एक्सप्लोर करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर्टिकुलर को एक्सप्लोर करो एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू और लॉट इन योर प्रिपरेशन फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप टोटल मिला करके इंडस्ट्रियल रिलेशन के दस क्वेश्चन गैप के दस क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी से दस से पंद्रह क्वेश्चन आप ये लगा करके चलो आपके अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन के लिए काफ़ी यूज एक कॉम्बो कोर्स होने वाला है और इसके अंदर आपको पीटीएफ फाइल्स का भी एक्सेस मिलता है जो भी लेक्चर्स हैं उनकी पीटीएफ फाइल्स आपको मिल जाती हैं अगर आप कॉम्बो कोर्स चाहते हैं तो डेफिनेटली टेक अप फाइल सब्सक्रिप्शन एज वेल ओके एंड अभी फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है दोस्तों कॉम्बो कोर्स का यू सी ओके चलिए फटाफट पत से स्टार्ट करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स देखेंगे सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की दो रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट आती है एक और एक आती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ठीक है एक एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट हो गई और एक हो गई आपकी डेवलपमेंट आउटलुक तो दो ये रिपोर्ट्स हैं आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक की उसके बाद आता है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आई आई ए आई की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिपोर्ट है याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट करके ईजीली याद, 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 याद कर सकते हो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक तो ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है जिसके अंदर एनिमल्स का वर्नेबिलिटी स्टेटस होता है ये काफ़ी फेमस रेड लिस्ट बुक जिसको बोलते हैं जिसके अंदर एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्नरेबल इस तरीके से एनिमल्स को रिकोगनाइज किया जाता है एंड दूसरा इसका आ जाता है वेटलैंड एंड पीपल एट रिस्क जो इसने रिपोर्ट पब्लिश की थी ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आई डी भी इसको बोलते हैं ओके ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट एक ये निकालता है पिछले कुछ सालों में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो तो रिपोर्ट्स हैं वो न्यूज में रही हैं एंड फिर आ जाता है आपका डेमोक्रेसी इन एशिया एंड पैसिफिक आउटलुक तो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन एशिया तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को रिलेट करके थोड़ा सा रट्टा लगाया जा सकता है फिर आ जाती है आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए आईएईए की क्या क्या रिपोर्ट्स हैं देखो एटोमिक uh, एनर्जी से रिलेटेड ज्यादातर रिपोर्ट्स हैं कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिव्यू फिर न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू एक सिक्योरिटी रिव्यू है एक सेफ्टी रिव्यू है ठीक है उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू ओके तो ये तीनों ईजिली रिलेट करके आप याद रख सकते हो सिक्योरिटी सेफ्टी टेक्नोलॉजी तीनों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी निकालती है उसके बाद ग्लोबल स्टेटस ऑफ डी कमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ग्लोबल स्टेटस ऑफ डी कमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अंदर बेसिकली ये एक रिपोर्ट मेंटेन करता है जिसके अंदर जहाँ पर कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डी कमीशन कर रही हैं अपनी प्रॉपर लिस्ट होती है और एक इसकी रेड बुक होती है रेड बुक जो है ये ओ की एक न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है ये बोलते हैं उसको ओ सी डी एन ई उसके साथ मिल करके निकालता है रेड बुक ओके तो रेड बुक में आई ए प्लस ओईसीडी न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी कह जाती है फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज नहीं होना एक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और एक एनर्जी एजेंसी है ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निकालती है उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक एनर्जी टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम ग्लोबल मिथेन ट्रैकर एंड नेट जीरो बाय ट्वेंटी फिफ्टी रिपोर्ट भी ठीक है तो ये किसकी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की देखो न्यू एटॉमिक वाली में तो हर आ, रिपोर्ट के अंदर न्यूक्लियर वर्ड आपको मिलेगा ठीक है हर रिपोर्ट के अंदर अब सिर्फ रेड बुक है एक जिसके अंदर न्यूक्लियर वर्ड नहीं है बाकी सबके अंदर न्यूक्लियर वर्ड अवेलेबल मिलेगा नेक्स्ट आ जाती है आपकी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कंफ्यूज नहीं होना अगेन सबसे पहले थी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फिर थी सिर्फ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और फिर आ गई रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी में आपकी सबसे पहले आ जाती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रेन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स एंड ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जो है ये रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी प्लस आपकी एनर्जी एजेंसी प्लस यू क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस इन आ जाते हैं अब देखो एक यहां पर याद रखना है एक थी आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वो कौन निकाल रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ठीक है सिमिलर साउंडिंग है तो ध्यान देना है एक हो गई वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और दूसरी है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक तो ट्रांजिशन बेसिकली हम क्या बात करते हैं हम बात करते हैं ना कि यार हमें कन्वेंशनल uh, जो एनर्जी है कन्वेंशनल एनर्जी से अपने आप को ट्रांजिशन करके रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पर लेकर के आना है जो एक क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ठीक है तो ट्रांजिशन और रेन्यूएबल इस तरीके से मैं इसको रिलेट करके याद रखूंगा तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ठीक है उसके बाद बाकी की रिपोर्ट्स देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट ये आ, साइट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये निकालते हैं साइट्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और मैं आशा करूँगा कि आप में से कुछ लोग उसको कमेंट में मुझे बताएंगे कि वॉट डज साइट्स बेसिकली स्टैंड फॉर ठीक है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट हो गया उसके बाद आपका ये साइट्स इन लेबोरेशन कौन कौन आ जाता है एक तो आपका यूनेप है यूनाइटेड नेशंस एन्वायरमेंट प्रोग्राम यू एन सी टी ए डी है डब्ल्यू टी ओ है आई यू सी एन है और देर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ट्रैफिक तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हैं यूनेप यू एन सी टी ए डी डब्ल्यू टी ओ आई यू सी एन एंड ट्रैफिक ये आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा कि किसके साथ को के अंदर क्योंकि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सो यू कैन नॉट इग्नोर देम ओके उसके बाद इन डेंजर ग्लोबल एज अपडेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बेसिकली uh, किसने रिलीज किया है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच वी एड्स इसको यू एड्स भी बोलते हैं हम ठीक है ज्वाइंट बच्चे ना uh, इसमें कंफ्यूजन कर जाएंगे डब्ल्यू एच ओ के साथ ऑप्शन के अंदर डब्ल्यू एच ओ जरूर प्रेजेंट होगा और काफी बच्चे इसका आंसर जो है वो डब्ल्यू एच ओ ही लगा करके आएंगे तो डब्ल्यू एच ओ नहीं लगाना ठीक है डब्ल्यू एच ओ नहीं लगाना अच्छा एक ना ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट जो हमने कल आ, पिछले वाले पार्ट वन के अंदर की थी वो थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट याद रखना है सिमिलर साउंडिंग है वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट अब अगर आप वो वाला लेक्चर अच्छे से देख चुके हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग में शायद आ रहा हो कि ये हमने देखा था कौन निकालता है यूएन ओडीसी ठीक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट साइट्स में आ गया इसमें यू यूनेप आ गया यू एन सी टी ए डी आ गया डब्ल्यू टी ओ आ गया यू सी एन आ गया ट्रैफिक आ गया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट में कौन है यूएनओडीसी है तो कन्फ्यूज नहीं होना उसके बाद जी असेसमेंट रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है इसको अगर आप नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है इंटरगोर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दिमाग में रह जाए तो ठीक है नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक ये आपकी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो निकाल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो इसको रिलीज करते हैं उसके बाद आ जाओ जी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर रिलीज करता है करप्शन करप्शन परसेप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडेक्स बहुत बार के अंदर को कौन रिलीज करता है 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 पेपर में पूछा भी जा चुका ठीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सिविल सर्विसेज के पेपर में भी पूछा जा चुका है सीडीएस के पेपर में भी पूछा जा चुका है यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछ लिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उसके बाद आ जाता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगेन इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलेबोरेशन में कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर लाइफ तीनों याद होने चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी याद होना चाहिए कंसर्न वाइल्ड लाइफ भी और वेल्थ हंगर लाइफ भी उसके बाद रेन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रेन 21 करके ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको रिलीज करती है ठीक है बहुत 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 ज्यादा भी अगर नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है ये वाला ओके उसके बाद इंडिया इन रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड ऑक्सफैम इंडिया इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया चांसेस कम है पूछे जाने के फिर भी दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इसको रिलीज करता है आपके मेलबॉर्न मर्सर प्लस सी एफ ए इंस्टीट्यूट प्लस मोनैश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज अगेन ना याद हो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एल ओ वॉक फ्री फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन तीन आ जाती ILO है मेन इसके अंदर आई एल ओ है आई एल ओ वॉक फ्री फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन देखो बेटा अभी आपके सबके दिमाग में जो इस काफी बच्चे तो वीडियो देखते हुए इत, इतने टाइम आगे तक पहुंचे ही नहीं होंगे उन्होंने यही सोचा होगा कि पी डी एफ देख लेंगे पी डी एफ तो इंटरनेट पर वैसे भी मिल जाएगी अल्टीमेटली आवाज सुन करके याद करने की कोशिश या कराने की कोशिश यहाँ पर करनी है और कुछ बच्चे यहाँ पर अभी भी ये सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे फैक्ट्स मैं क्यों याद करूँ बेटा फैक्ट्स तो याद करने पड़ेंगे ठीक है यूपीएससी के जितने भी बड़े से बड़ा एग्जाम सिविल लेवल तक के एग्जाम बहुत अच्छे खासे इंटेलिजेंट बच्चों के क्लियर नहीं होते प्रीलिम्स भी जस्ट बिकॉज वो ये सोचते हैं कि यूपीएससी में फैक्ट्स नहीं आते फैक्ट्स बहुत आते हैं बेटा यूपीएससी का अगर आप पिछले चार पाँच साल का दो के बाद का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो फैक्ट्स के ऊपर बहुत सवाल पूछता है और फैक्ट्स पे तो याद अल्टीमेटली करना ही पड़ेंगे ठीक है तो हंसके कर लो रोके कर लो अगर पेपर क्लियर करना है तो जैसे मर्जी कर लो फैक्ट तो याद करना ही पड़ेंगे ठीक है तो फिर टीचर को गाली देने से कोई फायदा नहीं है उस केस में कि ये तो फैक्ट याद करवा रहा है फैक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे जो पेपर की रिक्वायरमेंट है वो तो हमको कराना ही पड़ेगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क याद करनी पड़ेगी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये भी जर्मन वॉच रिलीज करता है दोनों सेम सी साउंडिंग है लेकिन याद रखना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट यूएस इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये वो रिलीज करती है उसके बाद फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स ये याद रख लेना थोड़ा सा टैक्स जस्टिस नेटवर्क और यूके की बेसिकली ये एक यूके बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप है टैक्स जस्टिस नेटवर्क कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइवालिटी ऑक्सफर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंश इंटरनेशनल ये भी याद करेंगे आप इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स और फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट इसको भी याद करेंगे फ्रीडम हाउस पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में थी हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स भी न्यूज़ में रहता है तो हैंनले एंड पार्टनर्स इजीली याद कर सकते हो ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये कुछ नया सा है बेसिकली क्रिप्टो एडोप्शन के ऊपर ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है तो चैनलिस uh, करके एक ये ऑर्गेनाइजेशन uh, है जो इसको रिलीज करती है थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हेरिटेज फाउंडेशन प्लस वॉल स्ट्रीट जर्नल थोड़ा सा याद रखें पूछा जा सकता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स याद रखना पड़ेगा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस याद रखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस तीनों याद रखने पड़ेंगे बेटा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यूके रिलीज करता है याद रखना पड़ेगा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अगेन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स तो ये चारों रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यूके रिलीज करता है और ये भी चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है उसके बाद रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर ये तो देखो कितनी ज्यादा न्यूज में रहती है सिप्री रिलीज करता है स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट काफी न्यूज में रहता है और इसको याद रखेंगे आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूएनडीपी अलॉन्ग विद ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसको रिलीज करता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स इनसेड प्लस पॉर्टेंस इंस्टीट्यूट एंड द ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर इसके अंदर ना ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में ना बस इनसेड याद रख लो बहुत है स्टेट ऑफ द ग्लोबल ईयर रिपोर्ट ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देना चाहे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स छोड़ छोड़ देना, World Inequality Report, छोड़ देना, International Religious Freedom Report, ये भी याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर न्यूज आती है जब भी ये रिपोर्ट रिलीज होती है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग ये खराबी करके दिखाते हैं रिलीजियस फ्रीडम में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इसको रिलीज करता है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट याद रखनी है क्रेडिट स्विस ग्रुप रिलीज करता है तो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट बैंक है ओशियन स्टेट रिपोर्ट इसको भी याद करना है इसको याद करना है कॉपर इनक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सर्विस एक स्टेट के एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था तो ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यू एस रैंकिंग होती हैं ये ओके okay? सो so, ये भी इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट इसको चाहे छोड़ देना ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज करता है इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इंडेक्स इसको आपका इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटेटनेस सेंटर रिलीज करता है याद रख लेना इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद ना ये थोड़ा सा एक कॉम्पिटेटिवनेस वाला एलिमेंट है इसको याद रखना पूछ सकता है वो ठीक है तो ये हमारा जो सेकेंड एरिया था वो हमने डिस्कस कर लिया अब हमने एक थर्ड पार्ट आएगा ना उसके अंदर हम इंडिया के स्पेसिफिकली जो इंडिया से रिलेटेड रिपोर्ट्स है ना उनको हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में कौन सी कौन सी रिपोर्ट्स निकालते हैं नीति आयोग की जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे कौन सी कौन सी रिपोर्ट है नीति आयोग की ओके उसके अलावा जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है लेबर ब्यूरो कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है वो सब हम देखेंगे उसके अंदर और फिर आने वाले पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे ऑल राइट तो ये एक स्ट्रैटेजी इसके अंदर रहेगी कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो कर सकते हो एंड डेफिनेटली पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करना ठीक है चलिए एंड मॉक टेस्ट दो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों एक मॉक वन और मॉक टू ठीक है मॉक वन और मॉक टू जो है वो अपलोड हो चुके हैं ठीक है तो दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं, अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं देखो बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से करने हैं जब आप लॉग इन कर देते हो ना और उसको ऐड कर देते हो तो यू हैव टू सर्च फॉर माय कोर्सेज माय कोर्सेज में आप जब चले जाओगे ना तो वहां पर आपको आपका कोर्स दिख जाएगा जो भी आपने ऐड किया और वहां पर आप जाकर के उसको व्यू कोर्स करेंगे व्यू कोर्स करने के बाद आप क्लिक करेंगे कोर्स डिटेल्स के ऊपर तो आपको वहां पर मिल जाएगा थोड़ा सा आप एक्सप्लोर जरूर किया अगर वेबसाइट को माई कोर्स में जाकर के आपको सारे कोर्सेज जो है वो वहां पर मिल जाते हैं चाहे आप फ्री एड कर रहे हो चाहे पेड ओके चलिए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को टेक केयर एंड बाय